आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के पार्ट 3 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इससे पहले के दो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट ओपन करके इससे पहले के दो लेक्चर देख सकते हो। तो इससे पहले हम रूल नंबर 46 डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बाद अब हमारा आता है रूल नंबर 47। रूल नंबर 47, तो ये जो आपका रूल नंबर 47 है ये आपका रिलेट करता है कनेक्शंस से। मीन्स जो भी सप्लायर कंपनी आपको कनेक्शंस प्रोवाइड करवाती है वो पहले आप जिस जगह पे कनेक्शन लेना चाहते हो उस जगह का आपका इंस्पेक्शन करेंगे और उस जगह पे आपकी टेस्टिंग करेंगे, ताकि आपको जो है वो जगह आपको सप्लाई देने के लिए सही है या नहीं है। अगर सप्लायर को लगता है कि यहाँ पे टेस्टिंग और इंस्पेक्शन के दौरान उसको कुछ ठीक नहीं पाया जाता है तो आपको सप्लाई देने से मना भी कर सकता है, और पहले आपको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है उसको सॉल्व करने के लिए वो आपको बोल सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूल नंबर 47 जो आपका रिलेट करता है किससे, कनेक्शन से। तो ये हमारा रिलेट करता है कनेक्शन से, रिलेट फ्रॉम कनेक्शंस, ये हमारा रिलेट करता है किससे, कनेक्शंस से। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको लिखना है फर्स्टली सप्लायर मस्ट बी सेटिस्फाइड विद इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, जो सप्लायर है वो टेस्टिंग और इंस्पेक्शन से सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इफ सप्लायर नॉट सेटिस्फाइड देन इट रिफ्यूज टू द कंज्यूमर टू गिव कनेक्शंस। अगर सप्लायर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है टेस्टिंग से और इंस्पेक्शन से तो आपको सप्लाई देने से मना कर सकता है। नेक्स्ट इसी में लिखते हैं सप्लायर सेड टू फिक्स द प्रॉब्लम, मीन्स वहाँ पे उसको जो टेस्टिंग के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है पहले आपको सब वो जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बोल सकता है, उसके बाद ही आपको कनेक्शन दे देगा। तो ये था आपका रूल नंबर 47 जो कि आपका रिलेट कर रहा था कनेक्शन से। अब आता है हमारा नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 48। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 48 जो कि आपका किससे, लीकेज करंट से रिलेट करता है। तो इसमें जब भी आपकी लीकेज करंट जो है रेटेड करंट के 1/5000वें भाग से ज़्यादा होगी तो आपको जो सप्लायर जो है वो सप्लाई प्रोवाइड करवाने से मना कर देगा। तो इसमें लिख सकते हैं हम इफ़ लीकेज करंट इज ग्रेटर देन 1/5000 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट देन सप्लायर रिफ्यूज टू कनेक्शन। तो यानी कि इसमें अगर आपकी जो रेटेड करंट है, सॉरी, अगर आपकी लीकेज करंट रेटेड करंट के 1/5000वें हिस्से से ज़्यादा फ्लो हो रही है तो आपको कनेक्शन देने से मना कर सकता है। तो ये था आपका रूल नंबर 48। उसके बाद बात करें हम हमारे अगले रूल की, तो अगला रूल है हमारा रूल नंबर 49। तो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 49। तो रूल नंबर 49 जो है ये भी हमारा लीकेज करंट से ही रिलेट करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सप्लायर कट द सप्लाई एट द
बेसिस ऑफ 48 हार्स एडवांस्ड नोटिस इफ द कंज्यूमर इफ द कंज्यूमर इंस्टॉलेशन हैविंग लीकेज करंट ग्रेटर देन 1/5000 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट ऑफ रेटेड करंट एंड नॉट कंटिन्यू नॉट कंटिन्यू टिल द लीकेज करंट नॉट रिड्यूस्ड। तो आपका रूल नंबर 49 आपको ये बताता है कि जो भी सप्लायर होता है, अगर आपकी जो लीकेज आपने जो इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसमें लीकेज करंट जो रेटेड करंट की 1/5000वें हिस्से से ज़्यादा है, तो आपको 48 घंटे एडवांस नोटिस के साथ आपकी सप्लाई को कट कर सकता है, और आपको सप्लाई तब तक प्रोवाइड नहीं करवाएगा जब तक कि आपकी लीकेज करंट जो है वो कम नहीं हो जाती है। तो ये था आपका रूल नंबर 49। तो आपके जो रूल नंबर 48 और 49 थे, ये दोनों रिलेट करते हैं आपके लीकेज करंट से। अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 50। रूल नंबर आता हमारा नेक्स्ट 50। तो हमारा अगला रूल है रूल नंबर 50। तो इसमें आपको ये बताया जाता है कि हमको जो है प्रॉपर सर्किट ब्रेकर का यूज़ करना चाहिए। जो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं इनका इनके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और जो लाइव कंडक्टर्स होते हैं ये हमारे ओपन नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रॉपर सर्किट ब्रेकर यूज़ मीन्स प्रॉपर सर्किट ब्रेकर यूज़ मतलब इनकी सेटिंग सही से होनी चाहिए, इनकी रेटिंग सही से होनी चाहिए, ताकि ये एग्जैक्ट टाइम पे जब इनको ऑपरेट करना हो तभी ऑपरेट कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें कि इंसुलेटिंग मटेरियल नोट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो आपके इंसुलेटिंग मटेरियल है वो किससे एनवायरनमेंट से इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। और इसमें जो नेक्स्ट है लाइव कंडक्टर जो होते हैं हमारे, ये क्या होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए, नॉट ओपन। तो ये था आपका रूल नंबर 50। उसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट रूल होता है रूल नंबर 52। रूल नंबर 52। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 52 जो है ये रिलेट करता है कि आपने जो भी इंस्टॉलेशन किया हुआ है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है। तो इसमें हम लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर, ये होता है आपका रूल नंबर 52 कि इसमें जो भी आपने इंस्टॉलेशन किया है उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, उसकी देखरेख की, वो कंज्यूमर की होती है। तो ये था आपका रूल नंबर 52। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल होता है हमारा रूल नंबर 54। तो नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 54।
तो इसमें जो है मैंने आपको रूल नंबर 28 में बताया था कि हम वोल्टेज को अलग अलग रेंज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, तो वो तो था हमारा रूल नंबर 28। लेकिन उनमें वेरिएशन कितना होता है, जैसे लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, उनमें जो वेरिएशन होता है ये आपका रूल नंबर 54 के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं जो हमारा लो वोल्टेज हो गया और मीडियम वोल्टेज हो गया, तो इसमें वेरिएशन कितना होता है, ±5%। उसके बाद बात करें हम हमारे हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो इसमें वेरिएशन कितना हो सकता है, ±12 सहित 1/2%। वैसे हमारे जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है वो आपका कितना हो सकता है, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन ±3%। तो ये था आपका रूल नंबर 54। उसके बाद बात करें हम हमारे अगले रूल की, तो अगला रूल आता है हमारा रूल नंबर 56। तो रूल नंबर 56, तो जब भी हम बात करते हैं हमारे स्टार कनेक्टेड थ्री फेस फोर वायर के बारे में, तो इसमें जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए और जो न्यूट्रल है उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट मस्ट बी अर्थेड, और जो आपकी न्यूट्रल है उसका भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। तो न्यूट्रल प्रॉपर टेस्टिंग, या फिर हम बात करें हमारे जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, या फिर ट्रांसफॉर्मर का फ्रेम हो गया, तो ये भी क्या होना चाहिए, हमारे अर्थ होने चाहिए, मीन्स अर्थ से कनेक्ट होने चाहिए। तो ये था आपका रूल नंबर 56, जो कि रिलेट करता है किससे, अर्थिंग से रिलेट करता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, तो रूल नंबर 64। तो यहाँ पे रूल नंबर 64 जो है हमारा वो है, ये रिलेट करता है कि हम जो जितनी भी एनर्जी का यूज़ करते हैं वो उस एनर्जी को हमको हमेशा मीडियम वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज पे यूज़ करना चाहिए, सॉरी हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे यूज़ करना चाहिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं यूज़ ऑफ एनर्जी, यूज़ ऑफ एनर्जी एट हाई या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो हम जितनी भी एनर्जी का यूज़ करेंगे वो किस पे, या तो हाई या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पे यूज़ करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 74। तो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 74। तो ये हमारा रूल नंबर 74 है, ये जो रिलेट करता है हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से रिलेट करता है। तो इसमें हम लिखेंगे इट रिलेट्स फ्रॉम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो जब भी हम बात करेंगे इसमें जो हमारे कंडक्टर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो आपकी जो है कितनी, 317.5 kg से कम नहीं होनी चाहिए। तो जब भी हम बात करेंगे हमारे कंडक्टर की जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो कितनी, 300 कम नहीं होनी चाहिए किससे, 317.5 kg से। तो नॉट लेस देन 317.5 kg। और जब भी हम बात करेंगे हम लो वोल्टेज पे, तो फॉर लो वोल्टेज
तो लो वोल्टेज के लिए जो यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी, या फिर हम बोल सकते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो कितनी होनी चाहिए हमारी, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 136 kg। तो ये था हमारा रूल नंबर 74 जो कि रिलेट करता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से। अगला आता है हमारा रूल नंबर 75। अगला है हमारा रूल नंबर 75। रूल नंबर 75 में ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी दो कंडक्टर को जॉइंट करते हैं, तो जब हम जॉइंट करते हैं तो उनके जो कनेक्शंस है, जहाँ जिस जगह पे वो कनेक्ट हुए हैं, तो उस जगह की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो 95% से कम नहीं होनी चाहिए जब भी हम कंपेरिजन करें नॉर्मल स्ट्रेंथ के बाद नॉर्मल स्ट्रेंथ से। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे कोई भी एक कंडक्टर इधर से आया और एक कंडक्टर यहाँ से आया, और दोनों कंडक्टर को हमने यहाँ पे जॉइंट किया, तो इस जगह की जो स्ट्रेंथ की बात करूँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, वो जो है हमारी नॉर्मल स्ट्रेंथ के कंपेरिजन में 95% से कम नहीं होनी चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर कनेक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ 95% ऑफ नॉर्मल स्ट्रेंथ। तो ये था आपका रूल नंबर 75 जो कि रिलेट करता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को ओवर ए ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर्स को जोड़ते हैं, तो उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो आपके नॉर्मल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में 95% से जो है कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने आज इस वीडियो में रूल नंबर 75 तक डिस्कस किया है, इससे आगे के जितने भी अब बचे हुए रूल है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको जो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।